हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश कैन। गाइस, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने में और लिखने में। बेसिकली जब भी कोई न्यूज़पेपर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसिव का यूज़ हुआ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं, इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस तो हमने हमेशा पढ़ते आए हैं, ठीक है, जो हम सेंटेंस यू टेंस बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सारे क्या हैं, एक्टिव वॉइस हैं। ठीक है, जैसे मैंने किया, उसने किया, वह जा रहा है, वह आ रही है, ये सारे एक्टिव हैं, जिसमें कौन है डोमिनेंट, कौन है सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है वो है एक्टिव। अब इसमें देखते हैं, राम ईट्स द केक। केक कौन खा रहा है? राम। राम इसमें एक्टिव है, ठीक है, राम केक खाता है, राम ईट्स द केक। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें कौन प्रधान होगा? केक। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रधान होगा, फिर हम आगे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे केक राम के द्वारा खाया जाता है, हमने उसी टेंस को चेंज करके, ठीक है, दोनों सेम है, मतलब दोनों के सेम हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। इसमें राम केक खाता है, लेकिन इसमें क्या है, पैसिव में केक राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, मीनिंग सेम है, लेकिन हमने जो है उसके जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हैं वो चेंज हो गए और एक नई सेंस बनती है। जैसे द केक इज़ ईटन बाय राम, राम ईट द केक। ठीक है, केक इसमें इधर आ गया पैसिव में, और राम जो था वो लास्ट में चला गया। ठीक है, एक्टिव में राम पहले था, ठीक है, उसमें एक्टिव था, लेकिन पैसिव सेंटेंस बनाते हुए राम लास्ट में आ गया और केक फर्स्ट, ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसमें बस हमने क्या चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जो भी इसका जैसे प्रेजेंट डेफिनेट है उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कंटिन्यूअस तो उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा। पैसिव में हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें हम सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में ही हमारा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि नॉर्मल है, इसकी सेंटेंस होती है ता है, ते है, ती है, ये हमारा एक्टिव की पहचान है, जो हम एक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में हम लगाते हैं डू डज, लेकिन पैसिव में हम लगाएंगे इज एम आर और प्लस साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, लेकिन उसमें एक्टिव वॉइस में हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, जैसे आई एम गोइंग, ये है एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव वॉइस में होता है इज एम आर के साथ प्लस बीइंग लगाया जाता है और थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है और पैसिव में चेंज होकर क्या हो जाएगी, हैज़ बीन, हैव बीन, और थर्ड फॉर्म एज यूजुअल। थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही लगानी है, ये आप याद रखिए, जब भी आप इज के साथ एम के साथ न्यूज़पेपर में भी आप थर्ड फॉर्म देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड लगाते हैं, लेकिन इसमें हम वॉज वर लगाएंगे पैसिव में। एक्टिव में हम लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूज में वॉज वर, लेकिन इसमें वॉज वर के साथ बींग आएगा। ठीक है, जैसे इज एम आर के साथ बींग है, इसमें भी वॉज वर के साथ बींग आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में एक्टिव में हम हैड लगाते हैं, लेकिन पैसिव में हैड बीन और साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर इनडेफिनिट में विल लगता है, ठीक है, और पैसिव में विल बी आ जाएगा। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी विद सेंटेंस, ठीक है, विद एग्जांपल्स। फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पैसिव है वो नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव और पैसिव में आ जाएगा विल हैव बीन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि फ्यूचर कंटिन्यूस का जो पैसिव है वो नहीं होता है, इसी तरह से पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस किसी भी सेंटेंस का नहीं होता है। ठीक है, इनके पैसिव नहीं बनाए जाते हैं। चलिए अब हम डिटेल में समझेंगे और इसके डिफरेंस को देखेंगे कैसे होता है। अब पैसिव की पहचान होती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव की पहचान थी ता है, ते है, ती है, ठीक है, लेकिन इसकी सेंस कैसे बैठेगी, इसकी पहचान है
जाता है, जाते हैं, जाती हैं। जाना मतलब गो से नहीं, ठीक है। अगर इसके पीछे जाता है, आ रहा है, तो इसका सेंस हम गो से नहीं लेंगे, इसमें गो कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन इसकी जो आवाज़ निकलेगी वो इसी सेंस में होगी, लेकिन यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ाया जाता है, इस स्कूल में स्विमिंग सिखाई जाती है, इस तरह इस सेंस में आएगा पहचान, ठीक है। अब एक्टिव में हम कैसे बनाएंगे, ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है। पैसिव में कैसे बनेगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, कि लेटर जो है वो उसके द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। ही डज़ नॉट राइट अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम, बस इज़ के साथ हमने क्या लगा देना है, नॉट, और ये है इंटरोगेटिव। एक्टिव में बनाएंगे डज ही राइट अ लेटर, लेकिन पैसिव में बनेगा इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम, क्या लेटर उसके द्वारा लिखी जाती है। क्लियर है गाइज। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आएगा पैसिव का, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, और बाय का साथ बाय लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसकी पहचान होती है जा रहे हैं, जा रही है, जा रहा है। प्रेजेंट जो एक्टिव कंटिन्यूस है उसमें सिर्फ रहा है, रही है होते हैं, लेकिन पैसिव में साथ में जा का सेंस आएगा, जा रहे हैं। जैसे लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है, इस सेंस में, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख रहा है। एक्टिव में क्या आएगा कि वह एक लेटर लिख रहा है, सिंपल। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, अ लेटर इज़ बीइंग, ठीक है, इज़ बीइंग आ जाएगा साथ में। ये देखिए हमने इसमें इज एम आर प्लस बीइंग लगेगा, ठीक है। उसके साथ हमने क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर है गाइज। ऐसे ही इसका नेगेटिव बनाया जाएगा और ऐसे ही इसका इंटरोगेटिव बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान है जा चुका है, जा चुकी है। वही सेम प्रेजेंट परफेक्ट जब हम एक्टिव बनाते हैं तो उसकी पहचान सिर्फ चुका है, चुकी हैं होती हैं, लेकिन इसमें जा का सेंस आएगा, ठीक है, जिससे हमें पहचान होगी कि ये हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, पैसिव सेंटेंस, ठीक है। जा चुके हैं, ही हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है, वह लेटर लिख चुका है। इसका मतलब है कि ये एक्टिव वॉइस है, सिर्फ चुका है आया, ये एक्टिव वॉइस में बनाया, लेकिन इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम, जो लेटर है उसके द्वारा लिखा जा चुका है, ठीक है। यही सेम नेगेटिव है और ये इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ये आप देख सकते हैं जिसमें नॉट लगना है और इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा इंटरोगेटिव में। नेक्स्ट है पास्ट इनडेफिनिट, जैसे उसमें जाता है, जाते हैं, इसमें आएगा जाता था, जाते थे, जाती थी। जैसे यहाँ पढ़ाया जाता था, यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती थी, इस स्कूल में स्विमिंग सिखाई जाती थी, ठीक है, जाना की सेंस में। ही रोट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, वह उसने लेटर लिखा। लेकिन पैसिव में आएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ठीक है, कि एक लेटर उसके द्वारा लिखी जाती थी। क्लियर है गाइज। इस चार्ट से आप बहुत कुछ क्लियर सीख सकते हैं, बस इसमें आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें जिसकी पहचान है जा रही थी, जा रहे थे, उससे काम करवाया जा रहा था, ठीक है, उसके साथ धोखा किया जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था, इस सेंस में अगर हमने बात करनी है तो हम ऐसे यूज़ करेंगे। ये हम एक्टिव बना रहे हैं पहले, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वे लेटर लिख रहा था, नॉर्मल। लेकिन पैसिव में आएगा अ लेटर वॉज बींग रिटन बाय हिम, कि लेटर जो था उसके द्वारा लिखा जा रहा था। नेगेटिव में अ लेटर वॉज नॉट बींग रिटन बाय हिम, ठीक है, और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वॉज अ लेटर बींग रिटन बाय हिम, क्या लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट, ठीक है, इसकी पहचान है जा चुके थे, जा चुकी थी। अब एक्टिव में देखें तो हम सिर्फ चुके थे, चुकी थी, लेकिन इसमें जा का सेंस आएगा, ठीक है। जैसे ही हैड रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुका था, एक्टिव वॉइस। लेकिन पैसिव में जब हम बनाएंगे अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, जो लेटर थी उसके द्वारा लिखी जा चुकी थी। अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम, इसमें हैड के साथ क्या लग जाएगा,
बीन और साथ में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर इनडेफिनेट, इसमें सेंस आएगी वो जाएगा, जाएगी, उसको भेजा जाएगा, उसको वह दिल्ली लाया जाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। इस तरह से जाएगी का सेंस आएगा पीछे। और हम जैसे बनाएंगे ही विल राइट अ लेटर, वह लेटर लिखेगा, ये तो एक्टिव में बना, ठीक है। पैसिव कैसे बनेगा, अ लेटर विल बी, विल के साथ क्या लग जाएगा, बी, रिटन बाय हिम, कि जो लेटर है उसके द्वारा लिखी जाएगी। नेगेटिव, अ लेटर विल नॉट बी रिटन बाय हिम, उसके द्वारा नहीं लिखी जाएगी। विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, क्या लेटर उसके द्वारा लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम विल बी का यूज करेंगे पैसिव में। और गाइस बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि इसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। जब भी आप न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ते तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसमें ज़्यादातर पैसिव का ही यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें जा चुके होंगे, जा चुकी होगी, इस तरह का सेंस आएगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर, वह लेटर लिख चुका होगा। ये तो हो गया हमारा एक्टिव, लेकिन पैसिव कैसे बनाएंगे, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, कि जो लेटर है उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा, ठीक है। इस तरह का सेंस आएगा, जहाँ जाने का सेंस हो लास्ट में, जा चुका होगा, जा चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंस कौन से होते हैं, पैसिव, ठीक है। गाइस इस जो चार्ट है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आप इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। एक्टिव में डू डज है तो इसमें इज एम आर लग जाएगा, इसमें अगर इज एम आर है तो इज एम आर प्लस बींग लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। चलिए कुछ सेंटेंस हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन है हमारा, द गार्ड लॉक्स द डोर, ये एक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है इसका हम ये उठाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आए, द डोर लॉक्स है, ठीक है। इसका मींस है प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसकी क्या था, इज एम आर लगता, तो डोर सिंगुलर है तो इज, लॉक की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म एल ओ सी के ई डी, लॉक्ड बाय द गार्ड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट था वो था सब्जेक्ट बन गया, द डोर इज लॉक्ड बाय द गार्ड, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है ही कॉट द डॉग, एक्टिव वॉइस है, द डॉग सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ये सेकेंड फॉर्म है, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट का क्या था हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, बींग, ठीक है ना। ये देखिए पास्ट में था, पास्ट इनडेफिनेट डिड है, इसमें वॉज वर आएगा, ठीक है। द डॉग वॉज कॉट बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम, ठीक है। द डॉग वॉज कॉट बाय हिम। नेक्स्ट है द गर्ल्स विल सिंग द नेक्स्ट सॉन्ग, कि जो लड़की है वो अगला सॉन्ग गाएगी। अब द नेक्स्ट सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट बन जाएगा, द नेक्स्ट सॉन्ग विल बी, थर्ड फॉर्म संग बाय द गर्ल्स, ठीक है। द नेक्स्ट सॉन्ग विल बी संग बाय द गर्ल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, द वुमेन आर वॉशिंग द डिशेस, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया गया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है द डिशेस, द डिशेस, ठीक है, आर ज्यादा है तो आर लगा, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, बींग, बींग थर्ड फॉर्म वॉश्ड, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉश्ड बाय द वुमेन, ठीक है। द वुमेन आर वॉशिंग द डिशेज, ठीक है, पैसिव बनाएंगे, द डिशेज आर बींग वॉश्ड बाय द वुमेन, आर के साथ बींग, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम चेंज करते हैं पैसिव को, तो इज एम आर के साथ क्या लग जाएगा, बींग और थर्ड फॉर्म, ठीक है। द टेलर वॉज मेकिंग माई ड्रेस,
अब इसका पैसिव बनाते हैं, माई ड्रेस, ठीक है, वॉज बींग मेड, थर्ड फॉर्म लगी मेक की, मेड बाय टेलर. क्लियर है गाइज? आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है. तो इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिएगा गाइज. ये जो आपने एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, इस चार्ट का. इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने कैसे इसको चेंज करना है, और इसमें पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा. तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. गॉड ब्लेस यू.